लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू है। जहां पहले डाक मतपत्रों की गणना शुरू हुई, वहीं अब ईवीएम की पेटियां खुल रही हैं। आपको बता दें, जहां सतना लोकसभा सीट में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है, तो वहीं पर आपको बता दें सतना लोकसभा सीट के पहले राउंड में ईवीएम का जो पहला राउंड है उसमें भाजपा के गणेश सिंह 28,523 वोट पाए हैं। वहीं पर कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा को यदि देखा जाए तो 23,948 वोट पाए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यहां से 4,575 वोटों से आगे है। आपको बता दें कि जो सतना का पहला राउंड था डाक मतपत्रों का, उसमें से भारतीय जनता पार्टी 892 वोटों से आगे थी। आपको बता दें बड़ी खबर है, जहां पर सतना लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए, वहीं पर रीवा में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। सीधी में भी कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल पीछे हैं, जबकि राजेश मिश्रा आगे चल रहे हैं। आपको बता दें रीवा लोकसभा सीट में ईवीएम को लेकर भी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा आरोप लगाया गया है कि ईवीएम मशीन जब जमा कराई गई थी तब उनकी बैटरियां 60-70% थी, जबकि अब ईवीएम की बैटरियां 99% हो गई, 90% हो गई है, और कलेक्टर हैं कि इसका जवाब नहीं दे रही हैं कि आखिर यह बैटरी इतनी कैसे बढ़ गई, क्या अपने आप बढ़ गई या फिर किसी ने बढ़ाया, क्या कुछ घपला किया गया है, क्या कुछ गड़बड़ियां हैं, क्या सही है, क्या हकीकत है, इसका जवाब कलेक्टर को देना चाहिए, लेकिन कलेक्टर नहीं दे रही है। खैर, आपको बता दें नीलम मिश्रा वहां पर मौके पर मौजूद हैं और उन्होंने बयान दिया है और बड़ा आरोप लगाया है कि ईवीएम में 5 ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। आपको बता दें पहले कुछ दिनों पहले ही 4 दिन पहले आपको बता दें कि 3 विधानसभा सीटों के स्ट्रांग रूम के CCTV कैमरे बंद थे। आशंका जताई जा रही है कि उसी दौरान हो सकता है कि बड़ा खेला किया गया हो, लेकिन आपको बता दें बड़ी खबर है, जहां से सतना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए, वहीं पर रीवा लोकसभा सीट में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए, लेकिन ईवीएम पर सवाल खड़े हुए हैं, ईवीएम पर आरोप लगे हैं और उसके आरोप के निशान भी बताए गए हैं कि आखिर उनकी 5 ईवीएम मशीनों में कैसी गड़बड़ी पाई गई है। ईवीएम का नंबर बदला हुआ है तो हम लोगों ने रुकवाया है। बैटरी आपने क्या कहा, बैटरी क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है, आराम से बैटरी क्या है कि 99% चार्ज बता रही है, जबकि अच्छा। वोट जब पड़ी थी, वोट जब पड़ी थी तो 70% चार्ज थी बैटरी, ठीक है, अच्छा। लेकिन अभी अभी जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ 99% चार्ज बता रही है, इसका मतलब है कि 20% वोट बढ़ाए गए बदमाशी करके, और हमें इसका इतराज, और हम इसके लिए हम यही धरना देंगे कलेक्टर के सामने बैठ के, क्योंकि हम ये मंजूर नहीं करेंगे, मान ही नहीं सकते कि जनता ने जनार्दन मिश्रा को वोट दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं, इनने कांग्रेस की वोट डाइवर्ट कर दी है बीजेपी में, इस बार बहुजन को छोड़ दिया, कांग्रेस की वोट कर दी, इनको मालूम है कांग्रेस में वोट पड़ी और इतनी कम वोटिंग हुई, सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी को इतनी वोट मिली हो, है ना, तो आगे हम बढ़ने नहीं देंगे ईवीएम को, देखते कैसे चुनाव होता है, हम यही बैठेंगे देखते कैसे कलेक्टर क्या कह रही है, कलेक्टर मिली नहीं रही, यहाँ से वहाँ घुमा रही है और बोल रही है कि वो हमने ये रिक्शा लगाया, फलाना लगाया, परेशान किया जा रहा, मुझे पैदल बुलाया गया, 4 किलोमीटर में अंदर आई हूँ, मेरी गाड़ी वहाँ रुकवा दी, मैं प्रत्याशी हूँ कांग्रेस की, तो अगर इस टाइप से भेदभाव होगा तो क्या मतलब शासन प्रशासन का, इससे अच्छा है कि चुनाव नहीं कराते, इनको अपनी सीट वैसे ही बना लेनी है, जब चाहे 300 दबा लें चाहे 500 दबा लें, हम लोग पागल बैठे यहाँ की मेहनत करके यहाँ पागल खाने में बैठे हैं, हम चुनाव नहीं होने देंगे, हम आगे नहीं देखे, बढ़ने नहीं देंगे, देखते कैसे बढ़ाते हैं चुनाव। मानती रीवा डीएम पे डीएम तो मिली हुई है पूरी, डीएम ही तो मिली हुई है पूरी, सीधी सी बात है, पिछला चुनाव में भी गद्दारी हुई है, इस चुनाव में भी हुई है, हैं? पिछले चुनाव में प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था, 12 बजे रात तक बैठे रह गए, उसके बाद इस बार भी यही धांधली चल रही है। आपने कहा कि ईवीएम बदली हुई है तो कैसे पता चला, क्या रीवा विधानसभा के मतदान क्रमांक 10 में अभी हम लोग शिकायत करके आए हैं, उसका 17 सीट दिया गया है, उसमें नंबर गलत है, मशीन में निकल रहा गलत नंबर, 17 सीट फॉर्म में जो है नंबर, ठीक है, वो तो एकदम एक्यूरेट रहता है, तो उसमें मिलान जब हमने किया तो वो मशीन का नंबर नहीं, जो 17 सीट फॉर्म में नंबर, उस मशीन का नहीं है, उसमें डेट भी नहीं निकली, 4 जून का जो नंबर पड़ा था ना, कितनी ऐसी मशीन है, मतलब आपका आरोप है मशीनें बदली गई, 5 मशीनें मिली हैं ऐसी, तो हम ये हर बार घपला नहीं होने देंगे, जो आपका 17 सीट फॉर्म दिया गया था उसमें नंबर मैच नहीं हो रहा, अभी आप क्या, अभी 17 सीट फॉर्म सबने मिलान किया है, और ये जानबूझ के बदमाशी के तहत वोट बढ़ाई गई 20%, किसकी, और 3 दिन जो वो कैमरा बंद था, मैंने कहा ना आपसे पहले भी
तीन दिन सिमरिया सिरमौर त्योंथर का कैमरा बंद किया गया था 2 घंटे के लिए, तभी यह बदमाशी हुई है। जहाँ जहाँ मुझे वोट ज्यादा मिली थी वहाँ वहाँ इनने डाइवर्ट किया है वोट को, और अभी आपके मऊगंज विधानसभा में और इधर 3-4-5 मशीनें कम से कम नंबर बदले हुए हैं, मशीनें ही बदली हुई। किसकी मनमानी किसकी और मिली भगत है मैडम? अरे वो क्या, आप सबको मालूम है किसकी मिली भगत है। बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931625789627582294253778577। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।